आज हम दिखा रहे हैं हिंदुस्तान की मशहूर और आलमी शोहरत याफ्ता जामा मस्जिद, जो लखनऊ के तहसीनगंज इलाके में वाक़े है। ये मस्जिद ऊंची ऊंची मीनारों और गुम्बदों के साथ 11 मेहराबों पर मुश्तमिल है, जो अपनी गंगा जमनी तहजीब के लिए बेमिसाल नमूना कायम किए हुए है। तो आइए हम चलते हैं जनाब रिजवान हैदर साहब के पास, जो इस मस्जिद की तारीख और उसके बारे में कुछ रोशनी डालेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये मोहम्मद अली शाह अवध के बादशाह थे। 1838 में उन्होंने इस मस्जिद की तामीर का बेड़ा उठाया, जमीन खरीदी, जमीन खरीदने के बाद इसकी इमारत की तामीर शुरू कराई। 1842 में मस्जिद तकरीबन मुकम्मल हो चुकी थी, तो उन्होंने यहाँ पर नमाज कायम की। पहली नमाज जोरैन की हुई थी और 1842 से 1857 तक यहाँ पर नमाज अदा होती रही। बदकिस्मती का ये कि मस्जिद अभी नामुकम्मल ही थी, लेकिन नमाज शुरू हो चुकी थी कि 10 मई 1842 को मोहम्मद अली शाह का इंतकाल हो गया और मस्जिद उसी पोजीशन में रही, लेकिन नमाज बदस्तूर 1857 तक होती रही। 1857 के गदर में हालात ऐसे पैदा हो गए कि यहाँ पर नमाज बंद हो गई और उसके बाद से अब ये नमाज का यहाँ सिलसिला मुनक़ता हो गया और नमाज जुमा जो यहाँ पर होती थी वो आसिफुद्दौला के इमामबाड़े में, जो आसफी मस्जिद है, उस आसफी मस्जिद में होती रही और अब भी जुमे की नमाज आसफी मस्जिद में होती है।
वो बेड़ा उठाया गया कि इसको आबाद किया जाए, कायदे से इसके मस्जिद की रेलिंग लगाई गई, डबल रेलिंग लगाई गई ताकि जानवर ना आ पाए। पानी का इंतजाम किया गया, लाइट का इंतजाम किया गया, फर्श का इंतजाम किया गया, पूरी मस्जिद जो 200 साल से बिल्कुल वो थी उसको मेंटेन किया गया, रंग रोगन से उसको आरास्ता किया गया। इसकी एक ग्रुप था जो ये ऐसा कर रहा था, उसमें ना कोई कमेटी थी, ना कोई सदर था, ना वो था, ना कोई रसीद बुक थी, ना कुछ था। लोगों ने इसमें अपनी हैसियत से बहुत ज्यादा दिया और 1 करोड़ से ऊपर लोगों का कैश और काइंड में, लोग काइंड में देना लेना ज्यादा पसंद करते थे कि जो चीज की जरूरत है, सीमेंट की, सरिया की, गुम्मे की, किसी ने गुम्मा दिया, किसी ने सीमेंट दिया, किसी ने सरिया दिया, किसी ने सामान दिया, इस सूरत से मस्जिद आबादी। अब यहाँ पर उसके बाद से 5 वक्त की नमाज होती है, एतकाफ होता है, हर साल एतकाफ होता है शब कदर का, और उसका प्रोग्राम होता है, कुरान शरीफ की बाकायदा मुस्तकिल तरीके से तिलावत होती है, सुबह दोपहर और शाम के नमाज के बाद वाज होता है, और उससे पहले दुआओं का सिलसिला रहता है। जनाब मौलाना कासिम साहब सुबह को, दोपहर को भी वाज करते हैं, सुबह को वाज करते हैं, अफतारी का एहतमाम होता है, हुसैनाबाद ट्रस्ट की तरफ से अफतारी आती है, जो मोमिनीन हैं वो अपनी तरफ से जितना भी उसमें हो सकता है भर सकता तामुन करते हैं। ये सिलसिला है। अब मस्जिद माशाल्लाह आबाद है और 5 वक्त जमात से नमाज हो रही है। के जितने भी पाकीज़गी का उसका हो सकता है उतना लोग ख्याल रखते हैं। अच्छा, अभी आपने जिक्र किया ग्रुप का, तो क्या आप कुछ रोशनी डालेंगे उस ग्रुप के कुछ मेंबरांस पे, क्या कैसे थे क्या? असल में यहाँ पर ग्रुप के मेंबरान की तादाद लातादाद कह लीजिए, इसलिए कि जो जिसने देखा कि मस्जिद ये बिल्कुल वीरान थी, खंडर थी, गिर रही थी, टपक रही थी, तो उसको जिसने देखा उसने सब ने तावुन करना शुरू किया, गरीब अमीर ने किया, एक एक आदमी ने कई कई लाख रुपया भी दिया, और एक मोहतरमा थी जो बुरका पहन के आई, मैं हिसाब कर रहा था रुपये पैसे का, तो वो बुरका ओढ़े हुए थी, चेहरा खुला हुआ था, हाथ बुरके के अंदर थे, उन्होंने रो रही थी, आंख से आंसू जारी थे, उन्होंने कहा कि मेरे शौहर रिक्शा चलाते हैं, वो बुजुर्ग हो गए हैं, शाम को इतना नहीं कमा पाते कि जो हम अपना पेट भर के रोटी भी खा लें, तो हम ये समझे कि ये हमसे कुछ मदद मांगेंगी, और रो रही थी, तो मैंने कहा बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं, तो उनका कांपते हाथ बुरके में से निकला और उसमें 5 रुपए का नोट था, उन्होंने कहा कि 5 रुपए हमारी तरफ से लगा दीजिए। कितने कीमती रुपए थे, जिन्होंने कई कई लाख रुपए लगाया है, उससे ज्यादा वो 5 रुपए कीमती। तो आइए चलते हैं अब हम इस मस्जिद के पेश इमाम जनाब मौलाना अली कासिम साहब से, और उनसे पूछते हैं कुछ हवालात।
السلام علیکم مولانا. السلام علیکم. جی ہاں فرمائیے مولانا. آپ اپنے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں. ہمارا نام علی قاسم ہے. ہم نئی سلطان مزاری سے صدر الفاضل کیا, پھر 76 میں ایران چلے گئے. ایران میں رہے, وہاں خمینی صاحب کے مترجم رہے. آخری وقت میں جب وہ انقلاب کرنے آئے, انقلاب میں لائے, اور پھر آتے جاتے رہے اور یہیں رہے. پھر 86 سے مستقل آ گئے ایران سے یہاں, اور پھر پونا ایک سال رہے. اس کے بعد لکھنؤ میں آ گئے, سلطان مزاری میں پڑھاتے رہے. اور 20 سال سے تقریباً اسی مسجد میں صبح دوپہر میں آتے تھے. پچھلے سال سے ان لوگوں نے اصرار کیا, حسین آباد والوں نے بھی, اے ڈی ایم صاحب نے, تو مغرب میں بھی آنا پڑ رہا ہے اب ہمیں نماز جماعت کے لیے, ورنہ ہم مہلے کے مسجد مغرب میں رہتے, صرف صبح دوپہر میں آتے تھے. اچھا مولانا, اب آپ ماہ رمضان کے بارے میں ہمارے ناظرین کو کچھ روشنی ڈالیں گے. ماہ رمضان خدا عالم قرآن مجید میں ارشاد فرمایا, ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو, جو ایمان لے آئے ہو خدا پر, رسول پر, تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے جس طریقے سے پہلے والوں پر, تم سے پہلے جو گزرے امتیں ان پر بھی روزے فرض کیے گئے, تاکہ تم خدا کا خوف رکھو, گناہوں سے بچو اور جو اس میں حکم دیا اس پر عمل کرو. تو ماہ رمضان جو ہے انسان کو گویا اپنے کو سنوارنے کا ایک ذریعہ ہے, سال میں ایک مرتبہ گناہوں سے پاک کر لے کہ اس کے بعد پھر گناہ نہ کریں. اچھا مولانا, ایک سوال, اس جمعہ مسجد کے بارے میں, اس میں نماز پڑھنے کی کیا فضیلت ہے, اس کے بارے میں آپ کچھ بتائیں. عام مسجدوں میں ہے کہ ایک آدمی پڑھے تو اس کا مسجد میں تو 10 رکعت کا ثواب ہے مثلا, تو اگر جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے تو 70, اور جتنے آدمی بڑھتے جائیں گے, ایک آدمی ہے, دو آدمی ہے, چار آدمی ہے, تو اس حساب سے رکعتوں کا ثواب بھی بڑھتا جاتا ہے, 700 تک, 1000 تک پڑھ جاتا ہے ایک جماعت کے ساتھ پڑھنے کا. جماعت میں اگر زیادہ آدمی لوگ ہوں تو, اور جمعہ مسجد میں اور زیادہ ثواب و فضیلت ہے کہ جمعہ مسجد میں اگر نماز پڑھے آدمی جماعت سے تو اس کا ثواب اور زیادہ ہے. تو ناظرین, آج کا ہمارا پروگرام یہیں ختم ہوتا ہے. کل ہم آپ کو کسی نئی مسجد میں لے چلیں گے. کیمرہ مین نظر عباس کے ساتھ اقبال سن رضوی, خدا حافظ.